एक्सक्यूज मी, असल में आप दोनों एक नंबर के कमीने, बहुत बड़े वाले लीचड़, घटिया और वाहियात किस्म के लोग हैं। जी भैया, आई लाइक इट। कम हियर। डबल इंपैक्ट, आई लाइक इट। तो कहाँ जा रहे थे रात को? भैया अभी मैंने नया नया फ्रीजर लिया है, उसी के लिए कुछ सामान खरीदने जा रहा हूँ, जैसे कि सांप, बिच्छू, मेंढक, छिपकलियाँ, कॉकरोच। भैया मैं जल्दी से निकलता हूँ वरना दुकान बंद हो जाएगी। बाय बाय। ये आदमी भी अजब चोंच है। चोंच तो आप भी अजब हैं। वैसे आप भी कुछ कम अजब चोंच नहीं है, बल्कि आप तो तीन तीन चोंचों से निकली हुई चोंच है। क्या तीन तीन? क्या हम समझे नहीं? कछु बताइए। चलिए, एक तो पंडित रामपाल की चोंच, एक जुम्मन लाल की चोंच नहीं, और एक आपकी अम्मा की चोंच। अब ये बताना बड़ा मुश्किल है कि आप जुम्मन लाल की चोंच से निकले हैं या पंडित रामपाल की चोंच से निकले हैं। गॉड ओनली नोज कि आप किसकी चोंच से निकले हैं। भभूति के बच्चे, हम किसकी चोंच है ये हम अभी बताते हैं। आज तेरी चोंच ना उखाड़ी ना तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं। आओ, वैसे भी एक बाप की औलाद नहीं है। तिवारी जी की जल के रात हो गई, ये छुबू कहाँ? हाँ, ये ठीक रहेगा फ्रीजर। तिवारी जी को शक भी नहीं होगा इसमें, बिकॉज इज डिम विट। भभूति के बच्चे कहाँ है बे? आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे ढूंढ तो ले बेटे। अरे लेकिन आप बोल कहाँ से रहे हैं? मैं मुंह से बोल रहे हैं, मुंह से। अबे पंडित रामपाल की बगिया से बोल रहे हैं, जहाँ तुम्हारी रामकली जो है खिली खिली घूमती हैं। साले भूति के बच्चे, एक बार हमारे सामने आ जा, तेरे थोबड़े का भूगोल ऐसा बिगाड़ेंगे कि हम एक बाप की औलाद नहीं। किस बाप की बात कर रहे हो बेटे? तुम्हारे दो दो बाप हैं। भूति तिवारी, आपके दिमाग खराब हो गए? जोर से मार रहे फ्रीजर पे, तोड़ेंगे क्या? चले गए। कौन है? आओ। दूध? कैसा दूध? यम दूध। तो तिवारी क्या कर रहे हैं? आर यू मैड? अंदर बहुत ठंड है तिवारी जी, मैं जम जाऊंगा। प्लीज डोंट लॉक मी इनसाइड। हुई 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 हुई।